मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सस्पेंटेंस। ये बोल रहा है कि सस्पेंटेंस की यूनिट क्या होती है, तो महो इसकी यूनिट होती है और सस्पेंटेंस रेसिप्रोकल होता है रजिस्टेंस का, और महो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बोलिकली। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट इज द रजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। ये बोला है कि कोई इंडक्टिव कॉइल है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और इंडक्टिव कॉइल का रेटिंग है 5 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है 240 वोल्ट सप्लाई पे, और सप्लाई का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है और पावर फैक्टर गिवन है 0.8। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस की फार्मूला है वोल्टेज के साथ वी इज इक्वल्स टू आई जेड। जेड फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज बाई करेंट, वोल्टेज कितना है 240, करंट 5 एम्पियर, डिवाइड करेंगे तो 48 ओम। अब देखिए हमको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस के साथ इसका क्या रिलेशन होता है, कॉस फाई का। कॉस फाई इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस। यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू गिवन है 0.8, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इम्पीडेंस की वैल्यू हमने 48 निकाला है। यहाँ पे देखिए 48 इंटू 0.8 यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, 42.5 ओम। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन एसी सीरीज सर्किट। ये बोल रहा है कि किसी एसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो वो रिड्यूसिंग कैपेसिटी वैल्यू, कैपेसिटी वैल्यू को कम करके। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड थ्री फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL। देखिए ये तो फार्मूला डिराइव करके ही हम आपको दिखाएंगे जब थ्योरी पढ़ाएंगे, तो अभी ये क्वेश्चन आया है तो आप सिर्फ इसे ध्यान में रखिएगा। इसका फार्मूला होता है रिएक्टिव पावर इज इक्वल्स टू √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन काज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन थ्री फेज सिस्टम। ये बोल रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में 0.5 लैगिंग कब देखने को मिलता है और किस कारण की वजह से। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, नहीं। ट्रू पावर ड्यू टू रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड की वजह से नहीं होता है लैगिंग, लैगिंग होता है किसकी वजह से, इंडक्टिव लोड की वजह से। तो रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड जितना ही ज़्यादा होता है उतना ही पावर फैक्टर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन थ्री फेज अनबैलेंस लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। यह बोला है कि कोई थ्री फेज सिस्टम में स्टार कनेक्टेड है थ्री फेज सिस्टम, और यदि उसमें अनबैलेंस लोड है तो उसके न्यूट्रल में कितना करंट आएगा। देखिए थ्री फेज सिस्टम में स्टार कुछ ऐसे होता है, और ये जो तीनों पॉइंट जो शॉर्टेड होता है ये न्यूट्रल का काम करता है, ये आर वाई और ये बी। देखिए जब बैलेंस लोड होता है तो आर वाई बी में जब बैलेंस लोड होगा तो न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल में जीरो करंट होगा, और यदि सिस्टम अनबैलेंस लोड है मतलब आर वाई बी में अलग अलग करंट है तो ये अनबैलेंस लोड हो जाएगा, और अनबैलेंस लोड के केस में क्या होगा कि जो तीनों फेज में करंट है तो तीनों फेज में जितना भी करंट होगा और जो सबसे लोवेस्ट करंट होगा उससे कम करंट न्यूट्रल में आता है। यदि इसमें 1 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर है, इसमें 3 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर से कम करंट होगा न्यूट्रल में यदि ये अनबैलेंस लोड होगा, तो इसका आंसर है डी, लेस देन द लोवेस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैलकुलेट द अपेरेंट पावर इन केवीए ऑफ थ्री फेज 450 वोल्ट 50 हर्ज स्टार सिस्टम इन द लाइन करंट। लाइन करंट गिवन है 16 एम्पियर एंड 0.8 पावर फैक्टर। देखिए अपेरेंट पावर हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो अपेरेंट पावर का फार्मूला होता है √3 लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732
इंटू लाइन वोल्टेज कितना है 450 और करंट कितना है 16 एम्पियर। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा 11.5 इतना देखने को मिलेगा यदि हम इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा वोल्ट एम्पियर में। और यदि हमको केवीए में बदलना है, किलो में बदलना है, तो 1000 से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 11.5 केवीए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द 2 वाट मीटर W1 W2 इन 3 फेज पावर मेजरमेंट इफ द पावर फैक्टर इज 0। ये बोल रहा है कि कोई 2 वाट मीटर लगा हुआ है जिसमें कि मेजरमेंट दिखा रहा है, तो यदि 0 पावर फैक्टर होगा तो उसमें रीडिंग में क्या क्या दिखाएगा हमको। तो देखिए W1 W2 आर पॉजिटिव रीडिंग। देखिए पावर फैक्टर मीटर में लैगिंग और लीडिंग दोनों होता है। जैसे कि एक कांस्टेंट ये कोई मीटर है, बीच में 1 होता है क्योंकि यूनिटी है, होता है सबसे अच्छा, और इधर क्या होता है लैग करता है इस साइड में, इधर लीड करता है, यहाँ पे यूनिटी होता है। तो ये बोल रहा है कि 2 मीटर लगा है कुछ ऐसे, तो इसमें मीटर का क्या कंडीशन होगा, क्या दिखाएगा मीटर में। तो मीटर में W1 इज इक्वल्स टू W2 बट विथ अपोजिट साइन। मीटर में या तो इधर दिखाएगा पॉजिटिव साइड, मतलब कि या तो लैग करेगा या तो लीड करेगा दोनों में, लेकिन अपोजिट साइन, मतलब एक लैग करेगा जितना उतना ही सेकेंड वाला लीड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS। ये बोल रहा है कि 240 वोल्ट कोई RMS है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। VRMS का हम फार्मूला जानते हैं, VRMS इज इक्वल्स टू V max by root 2। हमें V max निकालना है, V maximum वोल्टेज मैक्सिमम यदि निकालना है तो VRMS into root 2। तो VRMS हमारा कितना है 240 और root 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 339.5 वोल्ट मिलेगा। ये मैक्सिमम वोल्टेज है। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका ऑप्शन नंबर सही सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन AC सर्किट। ये बोल रहा है कि रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है AC सर्किट में। तो इसका फार्मूला होता है रिएक्टिव पावर का VI sin थीटा। ये सब डेरिवेशन है, हम आपको दिखाएंगे थ्योरी, जब थ्योरी पढ़ाएंगे थ्री फेज सिस्टम का तब आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ समय नहीं है हमको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस 5 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 36 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 24 ओम। और हमसे पूछ क्या रहा है, इम्पीडेंस पूछ रहा है। तो इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट अप करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम है, स्क्वायर कर देंगे 25 प्लस एक्सएल कितना है 36 माइनस एक्सी कितना है 24। आइए सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 25 प्लस 36 माइनस 24 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144। यदि 25 प्लस 144 ऐड करते हैं तो कितना आएगा 169 और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज AC सर्किट। ये बोल रहा है कि सिंगल फेज AC सर्किट में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो याद रखिएगा सिंगल फेज में फेज डिस्प्लेसमेंट 90 होता है
और जबकि थ्री फेज में फेज डिस्प्लेसमेंट जो होता है 120 डिग्री होता है, दो फेजों के बीच में 120 डिग्री होता है, ये तीनों सेम होता है 120, और ये जो सिंगल फेज में होता है वो 90 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड। मैंने आपको बताया था कि थ्री फेज सिस्टम में ही इन सभी का डेरिवेशन किया जाएगा और समझा जाएगा कि ये वैल्यू कैसे आ रहा है। बाकी अभी के लिए आप इसे याद रखिएगा, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज का। किस केस में? स्टार के केस में। स्टार के केस में क्या होता है, लाइन वोल्टेज यदि देखिए कोई थ्री फेज सिस्टम है और इसमें एक न्यूट्रल भी है L1, L2, L3 और ये न्यूट्रल, यदि इन दोनों के बीच में हम यदि वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इसे लाइन वोल्टेज करेंगे, और किन्हीं एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में यदि हम मेजर करते हैं वोल्टेज तो उसे फेज वोल्टेज बोलेंगे। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या डिफरेंस आ रहा है, स्टार के केस में लाइन वोल्टेज मतलब दो मेन फेजों के बीच में यदि हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जितना ये वोल्टेज होगा मतलब फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होगा। यदि हम इन दोनों के बीच में जितना वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो यदि मान लीजिए 12 वोल्ट आ रहा है और यदि हम बोल दिए कि यदि L1 और L3 के बीच में कितना वोल्टेज होगा, तो हम बोल देंगे कि 12 वोल्ट इंटू √3, ये क्या होगा, लाइन वोल्टेज हो जाएगा थ्री फेज सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कैलकुलेट द लाइन करेंट ऑफ द थ्री फेज फॉर 15 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर बैलेंस लोड 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इन स्टार कनेक्टेड। ये बोल रहा है कि कोई स्टार कनेक्टेड है जो कि 3000 वाट का यदि कहीं सप्लाई दिया जा रहा है और 0.8 पावर फैक्टर है उस इक्विपमेंट का, और वोल्टेज दिया जा रहा है 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, तो देखिए इसमें क्या निकालना है, हमको करेंट फाइंड आउट करना है, लाइन करंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है थ्री फेज सिस्टम में पावर का, √3 फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, कॉस फाई, ये होता है थ्री फेज सिस्टम में पावर निकालने का फार्मूला, इसे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे पावर कितना दिया है, 3000 दिया है, √3 कांस्टेंट है, लाइन वोल्टेज कितना है यहाँ पे देखिए 415 वोल्ट है, करंट कितना गिवन है, करंट तो हमें निकालना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 415 वोल्ट है, करंट निकालना है, और कॉस फाई कितना दिया है, पावर फैक्टर इसका 0.8। देखिए यदि इसको आप इसको सॉल्व करेंगे इधर ला करके, लाइन करंट 3000 बाई √3 इंटू 415 इंटू 0.8, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 5.2 एम्पियर फाइंड आउट होगा लाइन करंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन थ्री फेज पावर मेजरमेंट अप टू वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। ये बोल रहा है कि कोई पावर फैक्टर मेजरमेंट के लिए थ्री फेज में 2 वाट मीटर लगाया गया है और उसमें दोनों वाट मीटर में सेम दिखा रहा है पावर फैक्टर, तो उसमें क्या होगा पावर फैक्टर, उसका यूनिटी पावर फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, ड्रा द करेंट ऑफ 5 एम्पियर एट 214 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, ड्रा द करेंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ये बोला है कि कोई कॉइल है जिसका कि हमें पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंस 24 ओम गिवन है, करेंट 5 एम्पियर 240 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है 50 हर्ट्ज का, तो पावर फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम इम्पीडेंस निकालेंगे सर्किट का, इम्पीडेंस क्या होगा वोल्टेज बाई करेंट, वोल्टेज कितना दिया है 240, करंट कितना है 5 एम्पियर, डिवाइड करिए 48,
और निकालना है जब कॉस फाई पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर के साथ इसका क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस कितना गिवेन है, 24, और यहाँ पे कॉस फाई कितना है, कॉस फाई निकालने के लिए इम्पीडेंस की वैल्यू 48, यहाँ पे 48 पुट करते हैं, 48 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस जेड ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये बोल रहा है कि हमें इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला कैलकुलेट करना है, जिसमें कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो फार्मूला क्या होगा, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में दिखाया था, इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस, देखिए जो बड़ा होता है उसको पहले रखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहा है कि ज़्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यही फार्मूला है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर 15 वाट रिजल्टेंट रिएक्टेंस 20 वाट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू आर बाय जेड, और यदि हमको पावर फैक्टर निकालना है इस टर्म में तो क्या फार्मूला होता है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, जैसे ही वैल्यू पुट अप करते हैं आर का और इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस निकाल करके, तो यहाँ पे आता है वैल्यू 0.6। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस ऑफ द आरएलसी पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस टू 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई एंड 8 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू इट। ये बोल रहा है कि कोई आरएलसी सीरीज पैरेलल सर्किट है जिसमें कि 240 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है 50 हर्ज का और 8 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, तो उसमें एडमिटेंस फाइंड करना है। एडमिटेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस यदि हम निकालते हैं तो कितना होगा, वोल्टेज बाई करंट, वोल्टेज कितना गिवन है 240 और करंट कितना गिवन है 8 एम्पियर, थर्टी ओम। और यदि बोले हैं हम आपको कि एडमिटेंस जो होता है इनवर्सली होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो 1/30 करेंगे और यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.033 महो। महो क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द सिंगल फेज आरसी पैरेलल सर्किट। देखिए ये जो सर्किट गिवन है इसमें आर और सी मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो बोल रहा है कि इसका फार्मूला क्या होगा कैलकुलेट करने का लाइन करंट का। तो इसमें ये तो डेरिवेशन है, आप याद कर लीजिए अभी के लिए, ये डिराइव करके हम आपको थ्योरी वाले पार्ट में दिखाएंगे। लाइन करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस का करंट का होल स्क्वायर और कैपेसिटेंस के करंट का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड इन एसी सर्किट। ये बोल रहा है कि एसी सर्किट में यदि पावर फैक्टर कम हो जाता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटर, उसी से पावर फैक्टर इम्प्रूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन। पहले स्टार के केस में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, अब ये पूछ रहा है कि डेल्टा यदि है, थ्री फेज सिस्टम में यदि डेल्टा है तो उसमें लाइन करंट और फेज करंट के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो इसमें लाइन करंट जो होता है √3 टाइम्स होता है फेज करंट का। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर आता है फेज को चेक करने के लिए कि कौन सा आर फेज है, कौन सा बी फेज है, कौन सा वाई फेज है। यदि किसी पोल पे वायर आ रहा है, ट्रांसफार्मर उससे दूर है और हमको पता करना है कि आर वाई बी कौन सा है, या फिर ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई देना है, तो 11,000 में हमको कैसे पता चलेगा कि ये आर वाई बी इन तीन वायर में से
तो इसके लिए फेज सीक्वेंस मीटर बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि यदि मीटर में क्लॉकवाइज चलता है तो सही है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है मीटर तो मतलब फेज सीक्वेंस गड़बड़ है, तो उसे बोलते हैं टू इंश्योर द फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।